गाइज मेरे ही साथ में है एक बैलून और मैं इस बैलून को बोरू फोड़ने के लिए, तो आप कैसे फोड़ेंगे ऐसे? ये गाइज फूट गया बैलून। इस तरह से हाथ से दबा के फोड़ोगे या फिर किसी भी तरीके से उसको दाब दूब कर फोड़ दोगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बैलून रखा हुआ है, अगर हम इसको बोलूँ कि बिना हाथ लगा इस बैलून को फोड़ना है, तो आप कैसे फोड़ेंगे? तो मैं अभी आपको इस बैलून को फोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए गाइज। तो आपने देखा, सेकेंड भर में ही हमने इस बैलून को बिना हाथ लगाए फोड़ दिया। गाइज तो आपको यह जादू लग रहा होगा, लेकिन ये एक साइंस है। तो यहाँ पर इस बोतल में आप देख सकते हैं, ये जो एक लिक्विड रखा हुआ है, इसका कमाल है। हम इस लिक्विड को इस ढक्कन में भर के ले गए थे, इसको छिड़कते ही बैलून पर बैलून फूट गया। तो इस लिक्विड का नाम हम बाद में बताएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए हमारे पास है गाइस इतने सारे बैलून्स। गाइस इतने सारे बैलून्स है कि हम इसमें से एक दो फोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो गाइस इस तरह से हाथ से बैलून तो कोई भी फोड़ देगा, लेकिन हम इन सभी को बिना हाथ से टच किए और बिना किसी भी चीज का इस्तेमाल किए इस बैलून को फोड़ देंगे। गाइस तो हमारे पास ये लिक्विड है, बस हम लिक्विड को दूर से फेंकेंगे और ये सारे बैलून धम धम करके एक सेकेंड में ही फूट जाएंगे। गाइज हम इस बैलून को फोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इससे पहले वाले बैलून को दिखाते हैं जो हमने फोड़ा है। यहाँ पर इस बैलून के सतह पर देख सकते हैं किस तरह का निशान बना दिया। गाइज ये रबर का बैलून है और उस लिक्विड को डालते ही इस बैलून का हाल इस तरह से हो गया। तब जाके ये बैलून धीरे धीरे सिकुड़ कर तब फूटा है। तो इतने खतरनाक तरीके से बैलून को फोड़ता है ये लिक्विड, ब्लू कलर का गाइज लिक्विड है। हम इसका नाम अभी नहीं बताएंगे, हम इसका नाम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर इस ढक्कन में इतना सारा लिक्विड रखा है और इतना काफी है गाइस सारे बैलून को फोड़ने के लिए। गाइस तो चलिए डालते हैं इस लिक्विड को इन सारे बैलून पर और देखते हैं क्या होता है, क्या सारे बैलून फूटते हैं या फिर कुछ बच भी जाएगा। गाइस देखिए आधे से ज्यादा बैलून एक ही बार में फूट चुके हैं और कुछ अभी फूटने पर लगा हुआ है। धीरे धीरे गाइस ज्यादा देखिए एक पर एक करके फूट जा रहा है। गाइस तो जहाँ जहाँ ये लिक्विड पड़ा वहाँ वहाँ देख सकते हैं सारे बैलून फूट चुके हैं और जो बचा हुआ है गाइस ये भी अभी फूटने वाला है। गाइस तो ये इस लिक्विड का कमाल है, यहाँ पर ये ब्लू कलर का लिक्विड है। गाइस तो ये लिक्विड और कुछ नहीं, ये लिक्विड किरोसिन तेल है। मुझे पता है गाइस कि कुछ लोगों को ये पहले ही पता चल गया होगा, लेकिन जिनको पता है उनको बता दूं कि बैलून पर इसको रखते ही बैलून आपने देखा किस तरह से फूटने लगा। गाइस तो मैं भी सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया तो मैं भी शॉक्ड रह गया, जैसे कि आप अभी शॉक्ड हैं। यहाँ पर ये बैलून का हाल ये देखिए, ये गाइस किस तरह से बैलून सिकुड़ने लगता है किरोसिन तेल डालते ही और ये बैलून एकाएक करके फूट जाता है। यहाँ पर भी देखिए सारे बैलून का इसी तरह से हाल है। गाइस मुझे पता है कि आपको इस वीडियो में मजा तो बहुत आया होगा। गाइस मजा आया तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मुझे पता है गाइस कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ, जिसने कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जिसने नहीं किया है वो कर लीजिए जल्दी से। सब्सक्राइब का बटन फ्री का है, दबा दीजिए पकड़ के, क्योंकि अपना 1000 सब्सक्राइबर्स जल्द से कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।